और खबर महू से है, जहां एसिड का अवैध भंडारण करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसडीएम अक्षत जैन को सूचना मिली थी कि भैंसलाय में एक बंद पेट्रोल पंप पर एसिड का अवैध भंडारण किया जाता है। सूचना पर एसडीएम ने थाना किशनगंज स्थित बंद इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर डीडी एंड कंपनी के 16 टैंकर खड़े हुए थे, जिनमें से 8 टैंकर में 98% सल्फ्यूरिक एसिड भरा मिला। और आपको बता दें, टैंकर कंपनी के मालिक और बंद पेट्रोल पंप के मालिक द्वारा इस स्थान पर एसिड का अवैध भंडारण किया जाता है। भंडारण के लिए विश नियत के अंतर्गत लाइसेंस लेना अनिवार्य है, उनके पास कोई लाइसेंस नहीं था। तो मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। आपको बता दें, मुखबिर की सूचना से ही इस पूरे कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एसडीएम ने बंद पेट्रोल पंप का औचक निरीक्षण किया और मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। तो उन 16 टैंकरों में से 8 टैंकर में सल्फ्यूरिक एसिड 98% कॉन्सेंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ था, बाकी 8 टैंकर जो है खाली पाए गए थे। तो ये जो केमिकल है, ये जो एसिड है, बहुत ही खतरनाक एसिड है, जिसके रखने के लिए अनुमति कलेक्टर साहब द्वारा उस स्थान पर चाहिए होती है। तो जब उनसे ये अनुमति मांगी गई तो उनके पास इस स्थान की अनुमति नहीं थी। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि ये कंपनी वाले जो हैं, इस बंद पेट्रोल पंप के स्थान को एक डिपो की तरह अपने व्यापार के लिए प्रयोग कर रहे थे अवैधानिक रूप से। तो इस कारणवश उनके विरुद्ध जो है धारा 6 भारतीय विष अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया, साथ ही में आईपीसी की धारा 284 जो कि ऐसे खतरनाक सब्सटेंसेस के रखरखाव में नेग्लिजेंस रखने के हिसाब से की गई। और फिर जो है उनमें से सारे के सारे 16 टैंकर को हमने जब्त किया है और अभी FIR दर्ज कर उनका अग्रिम। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।